नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के समय 10 ऐसी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना चाहिए और ये आपके डेली बेसिस पे रूटीन में आती हैं, तो फिर इस चीज़ की जानकारी हर प्रेग्नेंट वूमेन को होना चाहिए। तो इसी वजह से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी हो और जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उस पर कोई भी परेशानी वाली बात ना आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे ही आप कंसीव करते हैं वैसे ही पहले ट्राइमेस्टर में यानी पहले दूसरे और तीसरे महीने में सीढ़ी का यूज कम से कम करना चाहिए। यानी आपका सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे आपका घर है तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि सीढ़ी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि आपका बैलेंस कभी बिगड़ भी सकता है और आपके गर्भाशय पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ऊपर चढ़ते टाइम, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप सीढ़ी का इस्तेमाल करें तो आप रेलिंग पकड़ के चलें ताकि फिसलने का खतरा बिल्कुल भी ना रहे और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। सेकेंड ये चीज़ है दोस्तों कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाना है। क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से आपका जो बॉडी का तापमान है यानी ब्लड प्रेशर है वो फ्लैक्चुएट हो सकता है। इस समय आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है तो आप चक्कर आके गिर सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है उसके पास भी इसका असर जो है वो अच्छा नहीं जाता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भ्रूण का विकास बहुत ही ज़्यादा तेजी से होता रहता है और ये एक बहुत क्रिटिकल फेज माना जाता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जो भी है मिसकैरेज के चांसेस वगैरह है वो ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप हेल्दी डाइट लें और सही से नियमित रूप से अपना जो है दिनचर्या स्टार्ट करें और ख़त्म करें ताकि पल रहे शिशु को कोई भी परेशानी ना हो और उसका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से सही रूप से हो। तो इसके लिए आपको कभी भी प्रेगनेंसी में जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड का मतलब होता है कि पिज्जा, बर्गर, ऐसे कोई भी स्ट्रीट फूड के टाइप का चीज़ नहीं खाना चाहिए। एक तो इसमें तेल मसाला बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपको पेट में जलन हो सकती है, अचानक से आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है जिसके लिए बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए आपको चटपटा भोजन, जंक फूड भोजन, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। इसके बाद दोस्तों, प्रेगनेंसी में सोने का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। बाएं करवट सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है प्रेगनेंसी में सोने के लिए। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि बाएं करवट सोने से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अच्छे से पहुंचती है और इस समय आपका कोई भी मतलब बॉडी में रक्तचाप वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं होता है। बच्चे के पास विकास के लिए जो ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत अच्छे से पहुंचता है और बच्चा बहुत ही अच्छा एक्टिव फील करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए। उठते टाइम और लेटते टाइम भी आपको लेफ्ट हैंड का सहारा लेकर के ही आराम से उठना भी है, आराम से बैठना भी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खास करके आपको ट्रैवलिंग से बचना चाहिए, यानी दो पहिया या तीन पहिया वाहन का बहुत कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और आपको हमेशा चार पहिया वाहन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो ट्रैवलिंग को इग्नोर करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही ट्रैवलिंग करिए। ट्रैवलिंग से क्या होता है दोस्तों कि पेट में वाइब्रेशन होता है, मतलब अगर रास्ता सही नहीं है तो पेट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है जिसकी वजह से बच्चा जो है जो भ्रूण विकास कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और कभी कभी बच्चा बहुत डर जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट भी कभी कभी आपको फील नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय आपको बहुत ही अच्छे मात्रा में पानी का सेवन करना जरूरी होता है। पानी इसलिए आपको पीना बहुत अच्छे से जरूरी है क्योंकि आपका जो गर्भाशय में पानी का मात्रा है यानी बच्चा जो पानी की थैली में होता है उस पानी का लेवल बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगा, तभी आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। और अगर पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी का कारण बनता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से आपको पानी पीना चाहिए। कम से कम 13 गिलास पानी पीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पानी
पानी बहुत अच्छे से गर्भावस्था में पीना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बिना समझे सोचे समझे आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आपको पेट दर्द है, सर दर्द है या फिर छोटा से छोटा बुखार है, सर्दी है, तो भी आपको मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्ट से ही लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो भी खाती पीती हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर होता है। और प्रेगनेंसी में अगर मेडिसिन आप कोई भी लेती हैं तो मेडिसिन की एक साइड इफेक्ट भी होती है। इस वजह से बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए आप मेडिसिन नहीं लेंगी अपने से, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेडिसिन भी बदल जाती हैं, उसकी डोसेज भी बदल जाती हैं। अगर आपको नॉर्मल बुखार या सर्दी भी है तो प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर कुछ और ही दवाई रिकमेंड कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों प्रेगनेंसी में कभी भी हाई हील के सैंडल्स नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि आपका संतुलन बिगड़ सकता है चलने का और इस समय स्लीपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको गिरना एक बार भी नहीं चाहिए, इससे बच्चे को चोट लग सकती है, चोट लगने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए कभी भी आपको हाई हील्स नहीं पहनना चाहिए, हमेशा आपको फ्लैट चप्पल का ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाएं जब बाथरूम में जाती हैं नहाने के लिए, तो उस समय खास आपको ध्यान रखना चाहिए, बैठ के ही नहाना चाहिए, आराम से खड़े खड़े पोजीशन में नहीं नहाना चाहिए, कभी कभी बैलेंस आपका बिगड़ सकता है और वहाँ पे भी स्लिपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको नहाते टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। इसके बाद दोस्तों कभी भी भारी सामान प्रेगनेंसी में नहीं उठाना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर आखिरी के 3 महीनों तक, क्योंकि भारी सामान उठाने से मिसकैरेज के चांसेस बन सकते हैं, आपके गर्भाशय पे बहुत ज़्यादा भार की वजह से प्रेशर आ सकता है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी का भी कभी कभी कारण बन जाता है, इसलिए कभी भी भारी सामान जैसे बाल्टी हो गया भरी हुई पानी से, उसके बाद सिलेंडर है, इस तरीके को कोई भी चीज़ आपको करना है तो आप किसी की मदद लें, खुद से ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों प्रेगनेंसी में मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जो है कभी कभी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी ले के सोती भी हैं, मोबाइल का नेटवर्क जो है वो कभी कभी अप डाउन होते रहता है और मोबाइल से निकलने वाले जो रेज रहते हैं वो बच्चे के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कभी भी मोबाइल को साथ में रखकर सोना नहीं चाहिए और मोबाइल जितना हो सके कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए वेस्ट रहेगा। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी डरावनी मूवीज वगैरह नहीं देखना चाहिए। डरावनी मूवी इसलिए देखने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इस समय आप जितना ज़्यादा तनाव से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे का विकास एक अच्छे तरीके से हो पाता है, और तनाव होने से आपकी बॉडी का तापमान बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इससे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छी बुक्स को पढ़ें, कॉमेडी मूवीज़ को देखें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें और आपके बच्चे का विकास काफ़ी अच्छे से हो पाए। एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि साग सब्जी प्रोटीन और जितनी भी फॉलिक एसिड वाली चीज़ें हैं वो सारा लेना आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए, और जो बच्चे को सही पोषण दे वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर जितने भी नए प्यारे सब्सक्राइबर हैं चैनल को, दोनों ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिएगा दोस्तों में, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, नमस्कार।